अस्सलाम वालेकुम, मैं शिव कुमार, आप देख रहे हैं इसको सॉ। आज की वीडियो में मैं एक आपको ऐसी स्मार्ट डिवाइस बारे में बताऊंगा जो आपके घर में यूज़ होती है, जो आपके हॉस्पिटल में यूज़ होती है, ऑफिस में यूज़ होती है, बैंक्स में यूज़ होती है, शॉप्स पे यूज़ होती है, रोड्स पे यूज़ होती है, गलियों में यूज़ होती है, हर जगह पे यूज़ होती है। बट ये डिवाइस जो है उस थोड़ी अपडेट है, इससे आप एडवांस फीचर्स इसके अंदर हैं। वो कौन से फीचर्स हैं, इससे क्या फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं, इससे आपका टाइम कैसे बच सकता है, टाइम कैसे मैनेज हो सकता है, एंड ये आपको मोस्टली आपको स्मार्ट कैसे बना सकती है। तो मेरा जो है टॉपिक होता है स्मार्ट आपको बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, वो इन डिवाइसेस को, स्मार्ट डिवाइसेस को यूज़ करके आप स्मार्ट बना सकते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करने से बचा सकते हैं। सो ये डिवाइस कौन सी है, आप लोगों ने कैमरा तो सबने यूज़ किया होगा, मोबाइल कैमरा भी यूज़ करते हैं, बट जो स्कूटी पर्पस के लिए आपके घर में कैमरा लगा होता है या ऑफिस में कहीं भी लगा होता है, तो वो कैमरा जो है बहुत ओल्ड किस्म के हो गए हैं, बहुत जो है ना क्या दुनिया उसको यूज़ नहीं करती अभी, ठीक है। अब ये कैमराज आ गए हैं, इन कैमराज ने उनकी जगह ले ली है। अब ये कैमरा कैसे वर्किंग करता है, इस स्मार्ट डिवाइस को आप यूज़ करके कितना ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, वो आधा घंटा होगा। कैसे करना है, इस स्मार्ट डिवाइस में आपको नजर आ रहा होगा एक छोटा सा कैमरा, ये कैमरा जो है आप लोग अपने डोर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, डोर्स में मतलब ऊपर लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, साइड पर कहीं भी लगा सकते हैं, इसको एडजस्ट करना बिल्कुल ईजी है, किसी नेट की किसी स्क्रू की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। इस कैमरा को आप यूज़ करके कहीं भी जो है एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, सबसे पहले तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं यूज़ करनी पड़ती, कम्युनिकेशन के लिए वो जो वायर्स अटैच कर रहते हैं वो नहीं करनी पड़ती, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, सेकंड नंबर पे इसके साथ जस्ट आपने वाईफाई जो है वो कनेक्ट करता है, वाईफाई के थ्रू ये ऑन हो जाता है, विदाउट वाईफाई के भी हो जाता है। एक ऐप आपको जो है वो इसके साथ डाउनलोड करनी पड़ती है, उस ऐप के थ्रू आप अपने मोबाइल के साथ एक्सेस हासिल कर सकते हैं। एंड थर्ड फंक्शन इसका क्या है, आप वॉइस के जरिए एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर के या कमरे के बाहर ये कैमरा आपने अटैच किया हुआ है, तो जैसे ही आपके कमरे के रूम के बाहर कोई आएगा तो ये कैमरा जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट करके एक तो इसमें इंडिकेशन के लिए लाइट लगी होती है वो इंडिकेट करवाता है, एंड साथ ही आपको वो कैमरा के थ्रू जो कैमरा के बाहर आने वाला लड़का है या कोई भी पर्सन है, लड़का नहीं कोई भी हो सकता है, सो वो जैसे ही आवाज़ देगा तो यहाँ पे माइक सिस्टम स्पीकर सिस्टम लगा होता है जो आवाज़ आपको सुनाई देती है आपके मोबाइल पर, मोबाइल के साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे, मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वॉइस आएगी, अदरवाइज आप लोग एक LCD या LED लगाकर इसको इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो ये भी करना बिल्कुल ईजी है, आप लोग जिस तरह वाईफाई कनेक्ट करते हैं एग्जैक्ट वैसे ही करना है, इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, जस्ट ऐप के थ्रू आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। सो इसके बाद एक तो भी वॉइस कन्वर्सेशन जिसके थ्रू आप एक दूसरे के साथ बातें करते हुए साथ साथ एक दूसरे को देख भी सकते हैं, मतलब एक टाइप की कॉल ही हो रही होगी इस कैमरे के थ्रू, ठीक है। ये एक ये फंक्शन, दूसरा फंक्शन ये कि यहाँ इसको आप एडजस्ट कहीं भी कर सकते हैं, किसी जगह पर लगा सकते हैं, किसी स्क्रू को ड्राइवर की जरूरत नहीं होती और कहीं भी मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। थर्ड नंबर पे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप वायरिंग के लिए इतनी लंबी लंबी वायर्स की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं होती, ये कैमरा है बहुत ज़्यादा अपडेट है। और इसके बाद इसके साथ साथ आपको एक और बताऊँगा, वो जो है वो पिक्चर्स भी ले लेता है, मोशन सेंसर उसके अंदर लगा होता है, जैसे उसके नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई पर्सन आता है तो उसकी पिक्चर ले लेता है। सो वो उसका भी मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं कहीं से भी। हाँ, मैंने तो अमेज़ॉन को लगाया हुआ है, आप लोग क्या नाम है दराज से देख सकते हैं, अली बाबा से देख सकते हैं, और बहुत से ज़्यादा शॉप्स हैं पाकिस्तान में भी हैं, यार क्या हो गया, हारोड पे काफ़ी स्टोर्स हैं, वहाँ से मिल सकता है आपको, हारोड पे बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं कैमरा के, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, देख रही है।